आपका वेलकम करते हैं अपने चैनल माई सिटी फूड सीक्रेट में। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने बनाया मज़ेदार सा जर्दा। इसे बनाना बहुत ही आसान है, जल्दी बन जाता है, बेहद टेस्टी बनता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ कि इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसे कैसे बनाते हैं। 3 कप चावल लिए हम लोगों ने, इसे 15 मिनट के लिए भिगो दिया है। इस तरीके के 3 कप चावल है, 2.5 कप चीनी, 1 कप का तीसरा हिस्सा दूध, 1 टीस्पून जर्दा रंग येलो कलर, 5 से 6 अदद छोटी इलायची, 1 कप का तीसरा हिस्सा घी, आप इसकी जगह पर ऑयल भी यूज कर सकते हैं, बादाम, किशमिश और नारियल बारीक कटा हुआ, ड्राई फ्रूट हर पे ज़रूरत है। चले हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन में हमने पानी ले लिया है, आग जला दी है और पानी के गर्म होने का वेट करते हैं। पानी इतना लिया जिसमें चावल अच्छे से बॉईल हो जाए। पानी में बहुत अच्छे से उबाल आ गया, अब इसमें भीगे हुए चावल डालते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा फूड कलर हमने पानी में मिक्स कर लिया था, अब ये डालेंगे और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। दोबारा से मिक्स कर लेंगे। अब चावलों के बॉईल होने का वेट करते हैं। चावलों को सिर्फ हमने 90% कुक करना है। चावल हमारे 90% तक उबल गए हैं। अब चूल्हा बंद करते हैं, उसका पानी छान लेते हैं। दोबारा से पैन ले लिए, चूल्हा ऑन कर लिया, इसमें दूध डालेंगे, चीनी डाल देंगे, अच्छी से मिक्स कर लेंगे और चीनी के मेल्ट होने का वेट करते हैं। चम्मच हिलाते रहना हमें। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, अब इसमें इलायची डाल देंगे और घी, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और चाशनी के गाढ़ा होने का वेट करते हैं। चाशनी हमारी बहुत अच्छे से रेडी हो गई है, ये देखें गाढ़ी हो गई है। अब चूल्हे की आग हल्की करते हैं। और इसमें चावल डालेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चावल अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए, चाशनी के थोड़ा सा ड्राई होने का वेट करते हैं। चाशनी ड्राई होने वाली है, अब इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालेंगे। किशमिश बादाम,
अब एक रुमाल का दम देंगे, इसके नीचे एक तवा रखेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए इसे दम में पकने देंगे। दम का टाइम पूरा हो गया, अब ढक्कन खोल लेते हैं। वाह, ज़बरदस्त सा ज़र्दा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, हमारा मज़ेदार सा ज़र्दा बिल्कुल रेडी है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।